आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। पाठक ने आगे कहा कि उनकी हालात काफी चिंताजनक है। वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि केजरीवाल जानबूझकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर 50 के लेवल से नीचे गया या 50 तक गया, सबको समझ आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब को क्यों समझ नहीं आ रहा? आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर अपने शुगर को वो कम करते हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से या डॉक्टर से आप समझिए इस विषय। पीएमएलए में सारे तथ्यों को खदालने के बाद जब ये वो कन्विंस हो जाते हैं कि यहाँ पर कोई लिंक या कोई मेलाफाइड इंटेंशन या कोई भी गलत चीजें नहीं हुई है, वो स्टैब्लिश होता है, तब वो बेल देते हैं। तो स्पेशल पीएमएलए के कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ियां अभी पाई नहीं गई है और उनको बेल दिया गया। अगर एजेंसियों का न्याय दिलाना उद्देश्य नहीं है तो उद्देश्य क्या है? क्या ये आपको स्पष्ट नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती बंद करके उनको प्रताड़ित करना, उनके जान के साथ खिलवाड़ करना, ये बड़ा ऑब्वियस की चीजें दिख रही है? तो केजरीवाल जी जेल किसी और कारण से नहीं गए, केजरीवाल जी एक राजनीतिक बंदी है। उनको डराने की कोशिश की जा रही है कि खबरदार, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो जेल के अंदर ही रहकर तुम्हारा ग्लूकोज डाउन करा के तुम्हारे साथ कुछ भी करा सकते हैं। उनको डराने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर इस तरीके से राजनीति होगी तो कोई राजनीति में क्यों आए? कोई क्यों ही ऐसे इतने बड़े बड़े नेक्सस के खिलाफ लड़ने की चेष्टा करेगा? तो प्रश्न देश की व्यवस्था का है, प्रश्न अरविंद केजरीवाल अकेले का नहीं है, प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, प्रश्न एक तानाशाह के तानाशाही को रोकने का है। तो 30 जुलाई को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इस प्रोटेस्ट में इंडिया अलायंस के घटक दल के सभी घटक दलों ने इन प्रिंसिपल सहमति जताई है। देश की जनता से मेरा ये अपील है, हाथ जोड़ के, कि आप किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी पक्ष के हो, किसी भी विपक्ष के, किसी भी व्यक्ति का समर्थन करते हो, किसी का समर्थन ना करते, लेकिन देश का तो समर्थन करते हैं ना। तो अगर आप देश का समर्थन करते हैं, व्यवस्थाओं की निष्पक्षता का समर्थन करते हैं, तो आपको आज आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी।